हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है इकोसिस्टम, स्पेसीज और जो है फौना के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस पीरियड में जो है बायोडायवर्सिटी और जो है फ्लोरा के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज जो है हम लोग फौना, इकोसिस्टम और जो है स्पेसीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फौना जो है बताए थे कि स्पेसीज ऑफ ऑल एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन, फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। फौना मतलब होता है एनिमल्स। ये फौना वर्ड, फ्लोरा वर्ड जो है ये बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल टर्म है कि जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए फ्लोरा और जितने भी एनिमल्स हैं उसके लिए फौना यूज किया गया है। तो आज हम लोग फौना के बारे में स्टडी करेंगे। फौना स्पेसीज ऑफ ऑल एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फौना। पार्टिकुलर रीजन जैसे हिमालय रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, टेरेस्ट्रियल रीजन हो गया, तो ये पार्टिकुलर रीजन हो गया। वहाँ स्पेशल टाइप के ही प्लांट्स और जो है एनिमल्स मिलेंगे। तो जो एनिमल्स उस एरिया में मिलेंगे उसको हम लोग फौना कहेंगे। अब आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम इज मेड एन इकोसिस्टम इज मेड एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए एरिया इन an area along with all non living components with all non लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट सॉयल एंड रिवर्स। यानी कि क्लाइमेट में जैसे टेम्परेचर हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। सॉइल हो गया और रिवर्स हो गया, यानी कि इकोसिस्टम जो बनता है वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, टेम्परेचर वहाँ पे सर्टेनली जब वहाँ पे मिलेंगे और सब के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब बच गया स्पेसीज। स्पेसीज
ये स्पेसिस किसको कहेंगे, ए स्पेसिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, चाहे ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेट आर सिमिलर, डेट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड रिप्रोड्यूस within the group. यानी कि स्पेसिस का कहता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रुप जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हो, तो ये स्पेसिस हो गया। जैसे काउ का स्पेसिस मतलब हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया, कैट्स का हो गया, तो इस तरह के अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रुप होता है, वो एक जैसे होते हैं और एक साथ रहते हैं और उसी में जो रिप्रोडक्शन का काम जो होता है उसी को हम लोग स्पेसिस कहते हैं। डेट्स ऑल।